हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। ये आपका क्लास में जो है सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर आपका 50 आओ एक टोटल करें। आओ पेड़ पौधे लगाएं। ये दिया था पार्ट 15 चैप्टर 15 आओ पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, इसका जो है हमने आपको पिछली वीडियो में इस पार्ट का पार्ट संबंधित जो आपके शब्द ज्ञान थे उसको लिखवाया गया था और आपसे कहा गया था इसको जो है हम अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और इस पार्ट को जो है आपको अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या जो है कराया गया था और आज जो है हम इसी में आपका अभ्यास के प्रश्न में आपका पहला है सही विकल्प पर सही कैसे लगाई है इसलिए आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभ्यास में आपका है अभ्यास में आपका पहला पुस्तक का सही विकल्प पर सही कैसे लगाएंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक बेटा, जो पहला आपका है और वो है आपका गुरु जी बच्चों को कहाँ ले गए। गुरु जी बच्चों को कहाँ ले रहे हैं। गुरुजी बच्चों को कहाँ ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन क है बगीचे में, ऑप्शन ब है मैदान में, ऑप्शन स है पिकनिक पर, और ऑप्शन द है कहीं भी नहीं। ऑप्शन द क्या है, कहीं भी नहीं। यहाँ पे बेटा गुरु जी बच्चों को कहाँ ले गए, ऑप्शन बगीचे में, ब आपका मैदान पे, स पिकनिक पर और द है आपका कहीं भी नहीं। तो आपने पढ़ा था कि गुरु जी ने कहा कि आज मैं तुम्हें बगीचे में ले जाऊंगा। आपने पाठ पढ़ा है गुरु जी क्या कहता कि आज मैं तुम्हें बगीचे में ले जाऊंगा। यहाँ से बच्चों कहा गए करेंगे बगीचे में, ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बगीचे आपका दूसरा है फूलों पर कौन बना रहे, फूलों पर तो मंडरा रहे थे। बच्चों फूलों पर कौन मंडरा रहे थे। तो
ऑप्शन अ में है कोवे, कोवे ऑप्शन को भवरे ऑप्शन तो और मच्छर। ठीक है, सर बेटा फूलों पर जब वो बाग लगे थे तो फूलों को जो है कौन मना रहे थे, तो आपस में है कौवे, कौवे मना रहे थे फूलों पर, या दो है भौरे, सौ आपको रहते हैं कुत्ते और दो है मच्छर। तो फूलों को बेटा कौन मना रहे थे, फूलों पर भवरे मरना रहे थे। ठीक है, फूलों का भवरे मरना रहे थे, क्या होगा भवरे, प्रत्येक उत्तर होगा भवरे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्या है, गौ, गौ क्या होगा, इस पेड़ से दवाइयां बनाई जाती हैं, इस पेड़ से दवाइयां बनाई जाती हैं, इस पेड़ से दवाइयां बनाई जाती है। बेटा ऑप्शन अ, ऑप्शन अ दिया है आम, ऑप्शन ब बरगद, ऑप्शन स नीम, और आपका ऑप्शन दो है अनार। यूट्यूब यहाँ का गोल है, इस पेड़ से दवाइयां बनाई जाती हैं, इस पेड़ से दवाइयां बनाई जाती हैं, और पेड़ से आम अच्छा है, बरगद है, नीम है, अनार है, तो इस सब में जो है किस पेड़ से जो है दवाइयां बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर उसकी किताब में बताया गया था कि नीम के, यह बताया था किधर, यह नीम का पेड़ है, आपको पता है नीम से कई दवाइयां बनती है, यहाँ से किस पेड़ से दवाइयां बन जाती है, किस पेड़ का, नीम के पेड़ का, सौ जो है नीम का पेड़, नीम सही उत्तर होगा। ठीक है, और इसको आपका लास्ट है भ, और हमका जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं, जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां क्या होता है, वहां क्या होता है। ठीक बेटा,
ऑप्शन वो है प्रश्न आपका जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ क्या होता है, तो वह तो है सूखा पत्ता है। सूखा पड़ता है। ऑप्शन दो पानी सूख रहता है। पानी खूब बरसता है। वातावरण स्वच्छ रहता है। वातावरण स्वच्छ रहता है। एंड अगला सवाल है तो आप कहेंगे कि वहां पर जो है पानी खूब रहता है, वहां वातावरण क्या रहता है स्वच्छ रहता है, बड़ा है ठीक है। अब सुनो क्या सूखा रहता है, बहुत दिया है पानी खूब रहता है, सो है अपना वातावरण स्वच्छ रहता है, और दो है आपका सौ दोनों सौ दोनों। यहाँ से आप दो जो है आपका करेंगे दोनों ठीक है। इस तरह से जो है आपका सही लगाइए दोनों को क्या, और उसके बाद अगर चलेंगे हमसे कई क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित प्रश्नों को कर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न का गुरुजी ने बच्चों को किन किन रोगों का परिचय दिया, गुरुजी ने बच्चों को किन किन से गुरु जी ने बच्चों को किन किन पेड़ पौधों का परिचय दिया बेटा, तो आप किताब से देखेंगे। सबसे पहले गुरु जी ने कहा कि देखो यहाँ पीपल का पेड़ है ठीक है, उसके बाद उधर बरगद का पेड़ है, सामने आम और खजूर के पेड़ है, इधर नीम का पेड़ है, और इसके जो है कई बड़े पत्ते हैं ठीक है। ये सारे चीजें पेड़ पौधों का जो है गुरु जी ने परिचय दिया था। जैसे आप लिखेंगे गुरु जी ने बच्चों को
गुरु जी ने बच्चों को पीपल के बाद बर्गर आम खजूर तथा नीम आज के पौधों का परिचय दिया है। आज से पौधों का परिचय दिया है। बेटा गुरु जी ने बच्चों को पीपल बरगद आम खजूर तथा नीम आदि पेड़ पौधों का परिचय दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो। पेड़ पौधों से हमें क्या पौधों से हमें क्या लाभ है? उत्तर क्यों जाओ? पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है? चौकी पड़ा है लेकिन क्या पेड़ पौधों से हमारे आप लिखेंगे पेड़ पौधों से हमारे पेड़ पौधों से हमारे वातावरण की वायु वातावरण की वायु वायु साफ होती है। ये हमें फल फूल पत्ते छाया और कन्या छाया और लकड़िया ठीक है। ये हमें जो है फल फूल पत्ते छाया और लकड़िया देते हैं और इनसे कई दवाइयां भी बचती है और इनसे कई दवाइयां भी बचती हैं पेड़ पौधों से हमारे वातावरण की वायु साफ होती है और ये हमें फल फूल पत्ते छाया और लकड़ियां देते हैं और इनसे कई दवाइयां भी बनती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसने क्यारियां तैयार कर रखी थी? किसने
तो प्रश्न नंबर दो है, किसने क्या किया, किसने क्या किया तैयार कर रखी थी, किसने क्या किया तैयार कर रखी थी। माली ने छोटा माली ने जो है हमारे पौधे रखे हैं और उसने जो है क्यारियां भी तैयार की है, हम उसमें पौधे लगाएंगे। तो माली ने क्यारियां तैयार कर रखी थी, ठीक है। माली ने क्यारियां तैयार कर रखी थी, ठीक है। किसने क्या तैयार कर रखी थी, माली ने क्यारियां तैयार कर रखी थी, ठीक है। आपका बच्चों ने कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए, बच्चों ने कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए। बच्चों ने कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए, उत्तर लिखेंगे आप। बच्चों ने जो है गुरु जी जो है तो बच्चों क्यारियों के पास लेकर पौधे कैसे लगाने हैं इसके विषय में बताने लगे। माली ने तुलसी के पौधे लेकर माली से तुलसी के पौधे लेकर बच्चों उन्हें क्यारियां लगा रहे थे। बच्चों ने जो है बच्चों ने तुलसी बच्चों ने तुलसी कामा बच्चों ने तुलसी कामा और तुलसी और आम, ठीक है। बच्चों ने तुलसी और आम के पेड़ पौधे लगाए, बच्चों ने तुलसी और आम के पेड़ पौधे जो है लगाए। इस प्रकार का आपका प्रश्न जो है पहला आपका सही विकल्प सही चल रहा है और दूसरा आपका निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए भी आपका जल्द सकते हैं और गया। उसमें आपका तीसरा है पाठ के आधार पर जिस अनु की पूर्ति कीजिए, इसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों टेक केयर।